जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहीं डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समान समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाने चाहिए, वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदाशिव जी के अर्धांगनी में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने तो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिसके घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मांडों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं।
तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी है वहाँ गयी। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणि ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण देव मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा।